फ्रेंड्स, मैं हूं निरंजन और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2018 की जितने भी अवार्ड्स और सम्मान दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में टोटल 2018 के सिर्फ 15 जो महत्वपूर्ण पुरस्कार और अवार्ड दिए गए वो आपको बताऊंगा, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और इस वीडियो को आप अगर आप देख लेते हैं तो आपको ये सम्मान और पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे आप डेफिनेटली करके आएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले जो पुरस्कार दिया गया। देखिए, सियोल शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया, तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से दे सकते हैं, आपको 3 सेकंड मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, सियोल शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। और ये देखिए, पुरस्कार पाने वाले मोदी जी 14वें व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सियोल, तो सियोल से आपको ध्यान में होगा कि ये किस देश की राजधानी है, तो देखिए सियोल जो है वो दक्षिण कोरिया की राजधानी हो जाती है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है, तो देखिए दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो मून जे इन, आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन ये बनता है कि कॉर्नर्ट पुरस्कार 2018 से सम्मानित किसे किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको जल्दी से बताना है। तो कॉर्नर्ट पुरस्कार 2018 जो दिया गया वो पीयूष गोयल को दिया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। तो अब बात करते हैं कि पीयूष गोयल कौन है, तो देखिए वर्तमान में ये रेल मंत्री हैं। और अगर बात करें कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है, तो देखिए रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हाल ही में विनोद कुमार यादव को बनाया गया। तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए, जितनी भी हमको रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बताते चलूँगा, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि पीयूष गोयल को कॉर्नेट पुरस्कार 2018 क्यों दिया गया, तो देखिए ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रयास के लिए इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपको सारी PDF एक साथ लेनी है तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि किस भारतीय राज्य को संयुक्त राष्ट्र द्वारा फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड 2018 प्रदान किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम। सिक्किम को हमारा जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड 2018 प्रदान किया गया। अब इसको इस पुरस्कार देने का कारण क्या है, तो देखिए 100% जैविक खेती प्राप्त करने वाला ये राज्य पहला राज्य सा बन गया, तो इसके कारण इसको ये पुरस्कार दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया गया, तो ध्यान में रखना है। अगर यहाँ से आपको पूछ लिया जाए कि सिक्किम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है, तो AR रहमान आपको पता होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यानी कि चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार से जो सम्मानित किए गए हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी कहने का मतलब कि नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन कौन है, तो ये देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, आपको ध्यान में रखना है। और ये इन दोनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया। और यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार होता है वो पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे उच्च पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। और देखिए ये चैंपियंस ऑफ अर्थ जो पुरस्कार है 2 व्यक्तियों के साथ साथ एक एयरपोर्ट को भी दिया गया है, तो वो एयरपोर्ट कौन सा है, तो कोचीन एयरपोर्ट को दिया गया, ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि 2018 में सर्वाधिक फिल्म अनुकूलन राज्य किस राज्य को घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलता रहेगा, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि जो कि सर्वाधिक फिल्म अनुकूलन राज्य जो जिसको घोषित किया गया वो हमारा है MP, यानी कि मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाता है। MP से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें जो मैं आप आगे बताऊंगा, आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और इसी प्रकार के डेली वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा 6th क्वेश्चन ये बनता है कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अमिताभ घोष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो देखिए अमिताभ घोष जो है वो अंग्रेजी भाषा के एक लेखक है और अंग्रेजी भाषा में प्रथम पारित प्राप्तकर्ता भी हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसी अंग्रेजी
भाषा के लेखक को दिया गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो देखिए कृष्णा सोबती जो है इनको ये पुरस्कार मिला था 2017 के लिए, और 2018 के लिए आपको दिया गया अमिताभ घोष को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि 2018 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा भरत वाटवानी और सोनम वांगचुंग। ठीक है, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोनम वांगचुंग, भरत वाटवानी और सोनम वांगचुंग, इन दो लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ सबको थोड़ी सी जानकारी ये होनी चाहिए कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1957 ईस्वी को हुई थी, और ये फिलीपींस के राष्ट्रपति जो थे उनके याद में ये पुरस्कार स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न ये बनता है कि स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुष्का शर्मा जी को ये दिया गया। सितंबर 2018 में बॉलीवुड जो अभिनेत्री हैं अनुष्का शर्मा, उनको ये पुरस्कार दिया गया। और इनका ये पुरस्कार किस लिए दिया गया, तो उनके जो फिल्म में जो योगदान रहा विशेष योगदान के लिए ये दिया गया। अगर बात पूछ लिया जाए कि उनको ये पुरस्कार किन्होंने प्रदान किया, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इनको प्रदान किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि 2018 के लिए एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए एकलव्य पुरस्कार 2018 जो दिया गया वो लीलिमा मिंज को दिया गया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लीलिमा मिंज। तो लीलिमा मिंज कौन है, तो ये हॉकी की एक प्लेयर है, और ये किस राज्य से संबंध रखती हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये उड़ीसा राज्य से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही वीवीआई प्रश्न है कि 2018 में पहली बार पहला कृषि पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो देखिए पहला कृषि पुरस्कार से जिसे सम्मानित किया गया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एम एस स्वामीनाथन, आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये पहली बार दिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि राजनीतिक में ईमानदारी के लिए पहला मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार 2018 किसे सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि नीतीश कुमार जी को ये दिया गया। तो नीतीश कुमार कौन है, तो ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो ध्यान रखना है। और अब बात करें कि मुफ्ती मोहम्मद सईद कौन थे, तो ये जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि राज कपूर पुरस्कार 2018 किसे सम्मानित किया गया या फिर किसे दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा रमेश सिप्पी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा रमेश सिप्पी को राजकुमार पुरस्कार 2018 दिया गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि 2018 के लिए तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो देखिए तानसेन सम्मान जो है वो कौन सरकार देती है, सबसे पहले ये आप जान लीजिए। तो देखिए तानसेन सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार प्रदान करती है, और तानसेन सम्मान के साथ साथ जो कि कालिदास सम्मान भी जो है कि MP सरकार ही देती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि तानसेन सम्मान और कालिदास सम्मान दोनों जो कि मध्य प्रदेश की सरकार देती है। अगर बात करें इसके राइट आंसर का, तो तानसेन सम्मान जो कि 2018 में मंजू मेहता को दिया गया, और मंजू मेहता कौन है, तो ये एक प्रकार के सितार वादक है जो कि बहुत ही फेमस है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। हम लोगों ने बात किया था कालिदास सम्मान जो कि MP सरकार देती है, तो देखिए कालिदास सम्मान जो है जो 2018 में दिया गया एंजेला एला मेनन को, ये भी आपको ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो अगला प्रश्न है कि पॉली उमरीगर पुरस्कार 2018 किस खिलाड़ी को दिया गया, तो देखिए पॉली उमरीगर पुरस्कार जो है वो हमारे विराट कोहली को दिया गया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, विराट कोहली के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2018 में राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा एन राम। अब एन राम कौन है, तो देखिए ये द हिंदू के चेयरमैन है, देखिए यानी ये कि जो कि सबसे पहले आप जान लीजिए कि राजा राम मोहन राय पुरस्कार जो हो वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये जो एन राम है वो द हिंदू जो पेपर है उसके चेयरमैन है। तो आई होप कि दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप आगे किस प्रकार की वीडियो देखना चाहेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ध्यान से ऑन रखिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के आपके पास पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।